from 7:20 RMB. और बोलो और एलन से 382 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। चलो बढ़िया, चार सौ चार सौ पहुंचेंगे, बाकी चार सौ पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अभी जैसे आपके सामने हम फोर स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं जिनमें 720 वाले भी हैं, 715 वाले भी हैं, 711, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट लगा। तो हमारे बीच में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा दिव्यांश, जिनके एलन आंसर की से 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं। दिव्यांश हरियाणा से हैं। उसके बाद अभिनव कृष्णा, जिनके 715 मार्क्स आ रहे हैं। दिव्यांश की क्लासेज यही लगती थी, अभिनव कृष्णा इनकी भी क्लासेज सत्याग बिल्डिंग में ही लगती थी, ये बिहार से हैं। इसका मतलब बिहार के बच्चे ज्यादा है। आर्यन शर्मा, इनके भी 715 मार्क्स। आर्यन पंजाब से हैं और ये भी नर्सल और एंट्री यहीं पे पढ़े। इसके बाद प्रत्युष मालव, 711 मार्क्स। चलिए, तो आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग इनसे पूछना चाहते होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ से हम इनसे क्वेश्चन करेंगे, पॉसिबल क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं हम इनसे करेंगे, और आप डेफिनेटली इनके आंसर से आपको बेनिफिट मिलेगा अपनी स्टडीज में आगे की तैयारी में। तो हम सेशन शुरू करते हैं, आप लोग बैठ सकते हैं, बच्चों बैठ जाओ, चार कुर्सियां हैं, चार बच्चे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जनरली हमारे दिमाग में आता है कि हमारे स्टडी का रूटीन क्या होना चाहिए, बहुत अभी जस्ट फेज स्टार्ट हुआ है, तो स्टडी कैसे की जाए। तो फिर उन चीज़ों को बुला के धीरे धीरे टॉपिक वन बाय वन कंप्लीट करना शुरू किया, और मतलब अच्छे से एक बार हो गया तो 10-15 दिन तक रिटेन कर पाए, बार बार पढ़ने जरूरत ना पड़े, ऐसे पढ़ाई करता चला गया। धीरे धीरे नोट्स पूरे किए, और जो अपने बोर्ड के बाद में काफ़ी नोट्स पूरे किए, और फिर बोर्ड के बाद 40 दिन थे उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की, तीन तीन घंटे के 3-4 बार उठी, जैसे 10-12 घंटे रोज़ पढ़ लेता था, और काफ़ी अच्छे से पढ़ता, टेस्ट पर पूरा ध्यान देता, और जितना टेस्ट में पूछता था उसको अच्छे से करता था, गलतियों को भी ध्यान में रखता था, और फिर नेट के पेपर के दिन तो 720 आई है।